इतना भी कम नहीं कमा क्या नेटफ्लिक्स का एक जो इमेज थी ना उसकी एकदम विपरीत कुछ आ रहा है। और नेटफ्लिक्स ने एक बहुत अच्छा तोहफा दिया ये पूरे भारत के लिए, खासकर वो हिंदी हार्टलैंड के लिए, और कोर्टरूम में और वकील कॉमेडी सटायर ह्यूमर करेंगे और इमोशनल एंगल्स का, और ऐसा कास्ट, इतने सुंदर कलाकारों का असेंबल होगा, ये नेटफ्लिक्स ने किया और सबको प्रोमोज में ट्रेलर में रखा, तो ये एक बहुत अच्छी प्रथा शुरू की। हम लोग सारे को अंडरडॉग्स में गिना जाता रहा, तो ऐसे कलाकारों को एक फ्रंट बेंच मिल रही है, ये एक बहुत सुंदर प्रयास है। और सब लोग अपना अपना काम दिखाने का, सबको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे 194 कंट्री में नेटफ्लिक्स देखा जाता है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग पोशंपा फिल्म को दिल से धन्यवाद, नेटफ्लिक्स और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल को दिल से धन्यवाद, राहुल पांडे जी को इसका श्रेय काफ़ी मैं दूंगा, इवन द राइटर, ऑल दिस हमारे पास जीनियस लोग हैं, तो एक कुछ अघोरों की टीम है, सारे एक साथ सारे अघोरी मिले हैं, और वो सारे अघोरियों ने एक अच्छी सी चीज़ की, कॉलेज के वकीलों के कैंपस में, उनके फॉयर में, उनके उनके बाथरूम में फाइट कैसे होती, वो कॉरिडोर में क्या सोचते हैं, वो चाय कैसे पीते हैं, कैसे अपना वकालत के बाद अपनी कुर्सी लॉक करके जाते हैं कि फॉयर से कोई चोरी नहीं हो जाए, वो छोटी छोटी चीज़ें वकीलों की ज़िंदगी को इतना इंटरटेन बनाती है कि वो सिंगर भी हैं, गायक भी हैं, सपने भी हैं, इंजॉय करते हैं, फैमिली के इमोशन, शायर भी हैं, सो नफासत। वाओ, एक अच्छा है कि नेटफ्लिक्स में एक प्रयास किया कि ये इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हर आदमी के घर के कोई ना कोई केसेस पूरे देश में, 140 करोड़, कहीं ना कहीं ज़मीन इससे उससे, कोर्ट से, वकालत से पाला पड़ता ही पड़ता है, कहीं एडवाइज ही लेते हैं आप, तो ये मैंने महसूस भी किया, और जो आप लोग भी जानते रहे कि इनके इनके इनका कोट काला है बट इनके दिल काले नहीं है। सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेज, एंड जितने मेरे लॉयर फ्रेंड्स हैं, जज फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग बड़ा खुश हैं कि यार फाइनली हम लोगों को लेके कोई नहीं, तो तारीख पे तारीख, और एक अलग से एक डरावना सा क्रिएशन जो था उसमें, एक इनसे आपसे वकीलों से जजेस से इस दुनिया से भी आपको मोहब्बत हो जाएगी। आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट वेट फॉर एवरीवन टू सी this show that we have created with so much of heart and so much of love. I think Ravi sir just encapsulated it on point. It's a courtroom comedy out and out. Har episode mein ek alag case aayega, mazedar case aayega. Us sab ke beech hum apne atrangi style ke saath aayenge aur aap sabko bahut hasane wale hain, and I'm just so excited. I can't wait. आई थिंक विश्वास पांडे मेरे लिए बहुत खास है, और एक तो बहुत लवेबल और ऑनेस्ट किरदार है, और ऑनेस्टी के हम सभी के किरदारों में हैं, और ये वर्ल्ड बिल्डिंग ही जो है मामला लीगल है का बड़ा ही ऑनेस्टी के साथ किया गया, तो एक लाइट हार्टेड फैमिली ड्रामा है जो कि फैमिली के साथ बैठ के आप किसी भी वक्त यू नो इसको देख सकते हैं, गुदगुदा सकते हैं, हंस सकते हैं, तो और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में इस तरह के कंटेंट की थोड़ी कमी ही है, तो ऐसा एक और शो आना वो मेरी खुशनसीबी है कि मैं उसका पार्ट हूँ, और उस तरह से ऑडियंस से जुड़ पाना एक हर कलाकार का एक सपना होता है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस के बारे में? सब तो बोल ही दिया है यार, आई थिंक जैसा रवि सर ने भी कहा कि जो लीगल वर्ल्ड ये हमने चूज़ किया है, यूजली हम जो कोर्टरूम देखते हैं ना वो बहुत प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं, तारीख पे तारीख, और ये तो हम कोर्टरूम से बाहर वकील चाय पीते हुए क्या बात करते हैं, ये थोड़ा सा उसके बारे में कोर्टरूम प्रीमाइसेस कॉमेडी के साथ साथ, और कॉमेडी हम कह रहे हैं पर हम जानना चाहेंगे कि जो सटायर होता है, जो व्यंग होता है ना, आई थिंक थोड़ा थोड़ा वो व्यंग की तरफ भी है, और सबने बहुत बेहतरीन काम किया है, और मेरी भी खुश नसीबी है कि
हम सब साथ को साथ में नेटफ्लिक्स पोशंपा पिक्चर साथ में लेकर आया और अब जो भी जादू हमने किया है वो आप लोगों तक पास होगा. थैंक यू सो मच. मुझे उसमें जो बहुत ही रियल किस्म की कॉमेडी जो हो रही है वो मुझे बहुत पसंद आई. आई थिंक एक मतलब वो जो वो इंटेंड नहीं कर रहे हैं कॉमेडी करने का और फिर भी बहुत मस्ती कर रहे हैं एक्टर्स और उसके साथ जो भी उनका कैरेक्टर है, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. वो स्पेस बहुत कम देखने को मिलता है, तो वो बहुत अच्छी बात है. इस रवि जी के किरदार के बारे में, उनके किरदार की चर्चा, उनके तो फैन हम लाइक बचपन से ही हैं यार, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो स्पेस में आए OTT स्पेस में एंड नाउ ही इज डूइंग इट लाइक जो कि बहुत यूथ ओरिएंटेड कंटेंट है, उन लोगों के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. नहीं, मुझे वन थिंग दैट आई नोटिस जब मैंने ट्रेलर देखा था वाज कि ऐसा कुछ है नहीं अभी ऑन एटलीस्ट ऑन नेटफ्लिक्स फॉर एग्जांपल, व्हिच इज कोर्ट रूम बट सिटकॉम स्पेस में बट इंडियन एट द सेम टाइम एंड इंडियन इन इट्स ह्यूमर, इंडियन इन इट्स जो एक फ्लेवर होता है, तो वो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि वो उन्होंने कैसे हैंडल किया है. एंड बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड्स इन्वॉल्व है इन द शो, देयर इज निधि, अनंत, ऑफकोर्स गोलू बिस्सो, सैम खन्ना, एवरी वन, प्लस रवि सर. आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी बिकॉज बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत ऐसा खुशी होती है. लाइक इवन टुडे व्हेन आई वाज कमिंग आई वाज जस्ट लाइक यू नो बिष्ट एंड अनंत यू नो, बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक मुझे बिकॉज बोथ ऑफ देम आई थिंक आर वेरी गुड एक्टर्स एंड दोनों की स्ट्रेंथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड तो इट्स नाइस टू सी अदर पीपल रिकग्नाइजिंग दैट टैलेंट, अदर पीपल ऑल्सो एन्जॉइंग दैट. तो मैं बहुत ऐसे प्राउड होकर बोलती हूँ, जो कोई बोलता है ना अरे वो ट्वेल्थ फेल वाला या वो लड़की निधि बिश, एंड आई एम लाइक यार दे आर माय फ्रेंड्स, करेक्ट करेक्ट, एंड आई गेट वेरी प्राउड लाइक इट्स आई एम लाइक नो नो यू नो आई नो देम, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन. सो क्या वेट करना पड़ेगा, एनीथिंग कमिंग अप फ्रॉम योर साइड? तो अभी हाफ लव हाफ अरेंज सीजन 2 की बात चल रही है, मतलब वो दैट शुड स्टार्ट सून. वन मोर टाइम वी आर गोइंग टू सी यू. यस यस, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.